हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बोले भंडारी, ये मंदिर है। तो भाभी काफ़ी दिनों बाद आई थी यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से भाभी यहाँ का मार्केट नहीं गई है कच्चे क्वार्टर। पहले भाभी जाती थी कि भाभी यही रहती थी इसलिए। तो अब और मैं और भाभी ऐसे ही घूमने जा रहे हैं कच्चे क्वार्टर मार्केट, क्योंकि खाने का तो हमने गोल कर दिया आज सिर्फ तहरी बनानी है आज, इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट ऐसे ही घूमने थोड़ा सा, और देखते हैं कुछ दिखेगा तो फिर ले लें, क्योंकि मार्केट गए और कुछ लेना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलते हैं, देखते हो, कल देव का बर्थडे है तो उसकी प्लानिंग करनी है क्या करना है, क्योंकि पहली बार बर्थडे हम पूरी फैमिली के साथ उसका मना रहे हैं। कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं एक साथ मिल पाते हैं, पर इस बार सब लोग पूरी फैमिली एक साथ मना रही है तो अच्छा मनाएंगे इस बार उसका बर्थडे। चलते मार्केट, देखते हैं क्या लेते हैं सामान। हम चुन्नी लेने आए हैं, मुझे आंटी बोल दिया। तीसरी क्लास में भी तो फिर आंटी बोलेगा और क्या बोलेगा। कोई नहीं, मुझे दीदी बोला, स्वाती आंटी बोला मुझे, आंटी बोला पहले, स्वाती आंटी बोला। नहीं नहीं, मेरे को नहीं बोला भाभी। मैं तो अभी दीदी नहीं लगती इसकी क्लास में पढ़ने वाली लगती होगी। तो मैंने अभी चुन्नी ले ली है, तीन चुन्नी ली मैंने 300 रुपए की है। अब मैंने पेटीएम किया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्यों ले ली है, ये मन कर रहा था कि नहीं वापस कर दूं, पर अब ले ली, वो दुकान बंद कर रहे थे, फिर मैंने कहा चलो अब वापस भी नहीं कर रहा, मैंने ले ली। भैया चले जाओ, बहुत रास्ता है। तो मैंने कहा कि यार मम्मी, जब मम्मी के पापा के साथ मार्केट जाते थे तो हम कहते पापा ये सामान चाहिए, तो मम्मी पापा हमें हर चीज दिलाते थे, और अब हमें खुद पैसा खर्च करने में अजीब सा लगता है यार, 1 रुपया भी क्यों जा रहा है लेने। हाँ, क्यों ले लिया, वापस कर दो, पर चीज़ें भी जरूरी है ना लेना। और देखो मार्केट पूरा बंद हो चुका है, अभी मार्केट में ही घूम रहे हैं, और लिया हमने कुछ भी नहीं है, बस ऐसे घूम ही रहे हैं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरी नौकरी चली गई, अब पता नहीं खर्चा क्या चलेगा। बस इतनी सी बात, तुम मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करो। तुम्हारा कौन सा बिजनेस? आओ बताती हूँ, बैठो प्लीज। बताओ ना कैसे। अरे मैं आपको बिना बताए 4 महीने से सिटी मॉल से जुड़कर बिजनेस कर रही हूँ। कैसे? सिटी मॉल लीडर बनके। मैं कुछ समझा नहीं। अरे सिटी मॉल लीडर ऐप डाउनलोड करके, जैसे मैंने सिटी मॉल डाउनलोड किया और मैंने अपने उसमें डिटेल फिल की, उन्होंने मुझे डिजिटल दुकान खोलकर दे दी और मुझे अपने एरिया का लीडर बना दिया। इस पर सिर्फ मैं 3 घंटे काम करके 8 से 10 हज़ार रुपए कमाती हूँ, तो तुम घर के खर्चे की टेंशन मत लो। ओ, तो अब समझा तुम्हारी फरमाइश से क्यों कम हो गई। अच्छा तो ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम ये अपने कस्टमर कैसे जोड़ती हो? अरे ये तो बहुत ही आसान है, मैंने लीडर ऐप के शेयर ऑप्शन पे जाकर अपने व्हाट्सएप पर सारे जानकार वालों को ये डिटेल शेयर कर दी और मेरे कस्टमर बन गए, जो कि है बहुत आसान क्योंकि सस्ता है सामान। मुझे ये बताओ ये पैसे कैसे मिलेंगे? अरे कस्टमर का सामान डिलीवर होने के बाद तुरंत कमीशन हमारे गुल्लक में आ जाता है और गुल्लक से सीधे मेरे बैंक अकाउंट में। अरे वाह, ये तो बहुत ही सही बिजनेस है, ना ज्यादा मेहनत ना ज्यादा झिकझिक, जितनी मेहनत उतनी कमाई। रुको जरा, मेरी इस महीने की पेमेंट तो देख लो। अरे वाह, मैंने इस महीने 11,000 रुपए कमाए हैं। आप भी कमा सकते हो। अच्छा, अरे आप भी कमा सकते हो सिटी मॉल लीडर बनके महीने के 10,000 रुपए। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर यहाँ पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके, यदि आप सिटी मॉल लीडर ऐप डाउनलोड करते तो आपको पहले 3 ऑर्डरिंग कस्टमर पर मिलेगा 200 रुपए का बोनस। तो देर कैसी है भैया, अभी डाउनलोड करें सिटी मॉल लीडर ऐप और शुरू करें अपना व्यापार। मैं तो अभी जा रहा हूँ डाउनलोड करने। ये तो गया, आप भी जाइए। देखिए पूरा मार्केट बंद हो चुका है। चलो चलते हैं फिर आए बाद में। तो अब मैं और भाभी शॉपिंग करते करते थक गए इतने कि अब घर तक चला ही नहीं जा रहा हमसे, तो हमने इनको फ़ौन कर लिया। अब ये आ रहे गाड़ी लेके और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आइसक्रीम खाने चलते हैं मुठथल, देखते चलते ही चलते गाड़ी लेके आ रहे क्या स्कूटी लेके आ रही ये नहीं पता, और घर पर बाबू भी रो रहा है तो घर चलते हैं देखते हैं क्या। तो जाना गाड़ी लेके आ गए हैं, ये देवा महाराज भी आ गए हैं, रोने लग गया ये वीडियो पर। रो रहे थे हैं? पर ये रो रहा था, याद आ रही थी। क्यों रो रहा था? इसको उन दोनों को मम्मी की याद आ रही थी, मुझे तुम्हारी याद। जाना मुरथल चले आइसक्रीम खाने। मुरथल बोलो ना, मैं कुछ और समझा। क्या आइसक्रीम खाने मुरथल बोली? एक वो थोड़ा धुआं ऐसा घूम के बैठो, ये हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं।
मुझे फोन डरा मिला भाभी का देखो टूटा जान के बैल गए ये हम आइसक्रीम खाने जा रही है बाबू आज मुझे मार्केट में एक लड़की ने आंटी बोला भाभी को बोला मुझे नहीं बोला तो आप भी बोल देती मैं आंटी हूँ तो एक भैया बोले और क्या वो तीन तीसरी क्लास में पढ़ता है आंटी तो बोलेगा या उनको जोड़ के आंटी तो स्वाति का मैं स्वाति आंटी कहाँ से मैं कहा भाई मैं तो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ती हूँ चलो घर तो हाँ घर बाबू कहाँ जाएगा जल्दी बता बाबा पास की घूमने तुम्हें कौन सी वाली आइसक्रीम खानी मैं यहीं खिला दूँगा नहीं वो आइसक्रीम खा रहा हूँ स्वाति को आइसक्रीम नहीं खानी स्वाति कह रही मुझे घूमना है देखो खाना बनना नहीं है क्योंकि मम्मी का तहरी बना लो तो क्या करेंगे बाबू देख तो किधर साइड घूमता है बाबू ये इधर साइड घूम गया ये बड़ा अच्छा लग रहे हो आप मैंने देखा उसी से मैं लगा मैं अच्छा लगा तभी पहन के आया ऐसे ही लो और रंग बिरंगी कैप है अच्छा लग रहे हो तो चलते हैं अब आइसक्रीम खाने मैं थोड़ा हेल्थ मैं याद आ रही थी क्यों आप रो रहे थे अच्छा कल दीप का बर्थडे है कौन सा केक चाहिए थे डोरेमोन केक अभी दिल वाला चाहिए था बड़े दिल बदलू हुआ तो मैं ये कह रहा हूं मैं मार्केट आ गया आप ऐसा करो दुकान भी दे दो मोटर आइसक्रीम पर वो हालत देखो हमारी हम ऐसी थे ऐसी उठ के चले आए यहां पे सब वीवीआईपी आते हैं मतलब सब सच सच के आते हैं यारों के आते हैं और हम बदरिया बन के ही आ गए ऐसे ऐसे उठ के चले आए आप लोग कहते ना थोड़ा तैयार होगी वीडियो बना करो यार पता क्या मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ ना वैसी दिखाऊँ क्या तैयार होके मेकअप कर लो फिर आप जब आप लोगों के सामने आओ आपको बोलो ये स्वाति है तो अभी देख लो मैं ऐसी हूँ और ऐसी आपको सामने दिखूंगी तो ऐसी हम अमरीक सुखदेव आए हैं हम आइसक्रीम खाने तो चलते ऐसे हमारी पूरी पलटन आई है देवा हमारे नंगे पैर आ गए ये तो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ है नंगे पैर आ गए देवा मेरा है क्या हीरो बन के चप्पल पे आया हूँ अरे तो आपको पता है साउथ का हीरो था वो भी अपने उसमें प्रमोशन में चप्पल में गया था अरे तो हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं भैया वैसे ये टोपी पहनी मेरे को अच्छी लगी मैंने पापा की छीन ली तो आज मैंने पापा की टोपी छीन ली है तो गाइस हम ऐसी हालत बना के चले हैं सब हम लोग कोई घूर रहे हैं क्योंकि सब तैयार होके आते हैं भाई डिनर करने आए या फिर कहीं बाहर से आए तो तैयार होके आते हैं और हम ऐसे आ गए तो सब हम ही घूर रहे हैं पता नहीं कौन आ गया ऐसा नहीं है भैया हम नॉर्मल इंसान है क्या है ऐसे घूर क्यों रहे हैं सब हम खाना नहीं कर रहे पर हम अच्छे लग रहे हैं कोई बात नहीं फिर भी अच्छे लग रहे हैं ये खा लो तुम भी लो बेटा अभी बुखार ठीक हो जाए बेटा टेंशन ना ले 103 बुखार है ना अभी ठीक हो जाएगा आपकी भी तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा भी जुकाम ठीक हो जाएगा खाओ 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 खा बेटा हैप्पी बर्थडे नाक निकल रही है लेकिन आज कैसा लग रहा है तुम्हें नमकीन मीठा चाट चाट के अच्छा लग रहा हाँ कल बर्थडे है इसका हैप्पी बर्थडे और अभी ये वीडियो दादा देखेंगे कहेगा ले ये तो कहीं तबीयत खराब है यहाँ पे आइसक्रीम खाए रहे दादा कहेगा बुखार हो रहा था तबीयत खराब हो रही थी वहाँ पे आइसक्रीम खाए रहे बुखार में है बेटा और खाओगे पर ये कौन ले लो अरे ले लो बेटा और खाओगे बेटा ये तो खत्म कर लो पहले ठीक है गाइस तो कैसा लगा आपको ब्लॉग लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लव यू ऑल बाय बाय।